स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। विदेश मंत्री ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पीओके को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीओके कभी भी देश से बाहर नहीं रहा है, ये देश का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। पीओके हैज नेवर बीन आउट ऑफ दिस कंट्री, इट इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री। रेजोल्यूशन आई रिमाइंड यू, देयर इज अ रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट दैट पीओके इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहे हैं जो कि राजनाथ सिंह कहा करते थे कि जी आजाद कश्मीर जिसको भारत पीओके कहता है वो इंडिया का हिस्सा है। एक सलाह के तौर पे मैंने बोला कि अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता, मैं कश्मीर पर फोकस नहीं करता, मैं एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता। ये मसला कश्मीर का भी हल नहीं हो सकता। अच्छा जी, पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर पे पहले फोकस करे, अपने घर के इश्यूज जो से, यानी पाकिस्तान के इश्यूज हैं, सबसे पहले पाकिस्तान अपना इशू खत्म करे। 9 करोड़ से ज्यादा जो पाकिस्तानी है इस वक्त गुर्बत की लकीर से भी नीचे है, यानी कि 9 करोड़ पाकिस्तानियों को 2 वक्त तो क्या 1 वक्त का खाना मयसर नहीं है। दूसरी जानी पाकिस्तान का स्टांस वर्ल्ड अफेयर में कुछ इस तरह से है कि हर फोरम पे हमें कश्मीर को डिस्कस करना है। डॉक्टर जयशंकर जो है ना, he has become voice and face of India's Hindu nationalist foreign policy. और उनको यंग लोग बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा उनको यंग लोग सुनते हैं और यंग लोगों को उनके साथ मजा आता है। ये इशू नहीं है। क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने, कहना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर स्कूल में यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज तक। जय हिंद दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने एक बार फिर से ये कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। और दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो तो जितना उनसे प्रयास हो सकता है एटलीस्ट वो बोल तो रहे हैं कि भाई पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, हम उसको लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों दुख इस बात पे होता है जब फारूक अब्दुल्ला जैसे भारत के ही नेता, जम्मू कश्मीर के ही नेता, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। तुमने देखी है क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। अबे तुमने देखा है जो बोल रहे हो उनके पास एटम बम? मतलब दुख होता है ऐसे लोग जिनको कहना चाहिए, जयशंकर साहब का साथ देना चाहिए कि नहीं भाई पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा, पीओके के लिए हम जान दे देंगे। ऐसी बातें जिनको कहनी चाहिए वो डरा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, वो भी चूड़ियां नहीं पहने हैं, वो शांति नहीं रहेंगे, पाकिस्तान के साथ हमें शांति से बात करनी चाहिए। ये क्या मतलब है? वो डेली हमारे जवानों पर आतंकवादी हमला करवाते रहे और हम शांति के साथ बात करते? दोस्तों असली जो देश के दुश्मन है ना, असली जो भड़काने का काम करते हैं वो यही सब लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग। मतलब यार एक तो उनको भारत का सपोर्ट करना चाहिए, भारत की खा रहे हो, भारत की पेंशन ले रहे हो और भारत सरकार के पैसों पे मजे कर रहे हो और तारीफ कर रहे हो पाकिस्तान की। ठीक है, जयशंकर साहब ने कहा भाई पीओके हम ले कर रहे हैं, पूरा भारत उनके साथ। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर, वो कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहे हैं जो कि राजनाथ सिंह कहा करते थे कि जी आजाद कश्मीर जिसको भारत पीओके कहता है वो इंडिया का हिस्सा है। और ये एक बड़ी अहम चीज है कि कॉन्टिन्यूसली नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह ये एक ही चीज कह रहे हैं और वो ये है कि कश्मीर जो है इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। देखिए डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ही हैज बिकम वॉइस एंड फेस ऑफ इंडियाज हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी और उनको यंग लोग बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा उनको यंग लोग सुनते हैं और यंग लोगों को उनके साथ मजा आता है क्योंकि वो एक तो वो इज अ प्रोग्रेसिव, दूसरे का वो कल्चर की बात कर रहे हैं और कल्चर की वो इस सेंस में बात कर रहे हैं कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपना हिंदू धर्म छोड़ दें। सेकुलरिज्म इसको ऐसे ना लिया जाए कि हम अपने कल्चर वैल्यूज को छोड़ दें। पर्टिकुलरली जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली बुक लिखी है, ठीक है जी, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और जिस अंदाज से वो सारी कहानी दुनिया को सुना रहे हैं, नए इंडिया की कहानी, वो कह रहे हैं कि ये वो इंडिया नहीं है जो पहले हुआ करता था, ये नया इंडिया है और वो नए इंडिया की कहानी सुना रहे हैं और नए इंडिया में वो एक बात कर रहे हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा है और इसमें पाकिस्तानी जवाब नहीं देते, उनको खामोश हैं। वरना पहले पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, मैं इस चीज़ को बड़ा कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ का सपोर्टर हूँ, प्रोपोनेंट हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कि वो बात भी नहीं करती।
वो बात तक नहीं करते, वो इंगेज ही नहीं करते किसी के साथ। वो कहते हैं ठीक है जो करता है उनको करने दो, हमें क्या, ये तो सारी बात है हमारा, इससे क्या लेना देना। सो डॉक्टर जयशंकर जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंडियन यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली उनके आप इंटरव्यू देखें, डॉक्टर जयशंकर ने बड़े स्मार्टली इन अ कैलकुलेटेड वे, ठीक है जी, उन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हिंदू नेशनलिज्म के कवर के अंदर रख के रैप अप करके, रैप करके दुनिया को दी है और दुनिया ने वो ले ली है। लोगों को लार्जली ये नहीं पता चला कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये एक इस तरह का, जिसे वो कहते हैं ना, एक स्टाइल रखते हैं कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर मैंने गोरों से बात करनी है या अपनों से बात करनी है तो मैंने कैसे करनी है, उनको इस चीज़ की समझ बिल्कुल आ चुकी हुई है। और इसे, जिसे वो कहते हैं ना, जो वाई भारत मैटर जो उन्होंने लिखी थी, ठीक है जी, वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि दुनिया को एक नेशनलिस्ट इंडिया को अंडरस्टैंड करना है। ये जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ये बेसिकली वो यही कहते हैं कि ले लेना है, ले लेंगे, हमारा है, ये नेशनलिस्ट इंडिया। सो इंडियंस जो हैं वो अब भारत, ये दिस इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर जयशंकर दैट इंडियंस हैव स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द फॉरेन पॉलिसी। सो ये चीज ध्यान में रखें कि ये जो एक सोच है, ठीक है जी, कि हमने एक नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है उसको लेके आना है और उसको आगे करना है। सो वो एक, जिसे कहेंगे ना, एक सख्त वर्जन लेके आ रहे हैं और दुनिया ने ये बात समझ ली है कि हाँ जी हम इनके साथ काम करेंगे। और वो जो आज की दुनिया के अंदर चेंज, अब देखे ना, इंडिया इज गोइंग टू बी अ सिविलाइजेशनल स्टेट। ये डॉक्टर जयशंकर जो है वो, जिसे कहते हैं ना, ये वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो हमारा कल्चर है और हमारी जो वैल्यूज हैं और जो हमारा रिलीजन है, उसमें हमें डिफेंसिव कर दिया गया है, हमें ऑफेंसिव होना है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या बनते हैं, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं और वो फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड बन गए चुके हुए हैं। मतलब नहीं, कश्मीर अगर हमारे साथ आ जाता है, इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि हमारी जो वहाँ की स्किल्स हैं, जो वहाँ की मादनी आता, वो भी हमारे पास आ सकती हैं, यानी ठीक है, हम उसको एक्सपोर्ट करके तो हम वहाँ से भी अपने, मतलब के अपने कर सकते हैं चीज़ें। ठीक हो गया, जो बलोचिस्तान में मादनियात हैं, जो हमारे पंजाब में चीज़ें हैं, जो हमारे सिंध में मादनियात हैं, इवन कश्मीर हमारे पास अभी भी तो है, तो हम वहाँ पे क्यों नहीं उन चीज़ों का फायदा उठा रहे, हमें वही कश्मीर चाहिए। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये मसला कश्मीर का भी हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर पे पहले फोकस करे, अपने घर के इश्यूज जो से, यानी पाकिस्तान के इश्यूज हैं, सबसे पहले पाकिस्तान अपना इशू खत्म करे, ठीक है, सियासत एक 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 पार्टी आ जाए, चोन से भी आनी आ जाए, उसके बाद वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सेट करे, ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को आसान करे, ठीक है। कहा जाता है कश्मीर इशू नहीं है, क्यों, वो बनाया हुआ है बस, किसने, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने, कहना नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छा, लेकिन है, अच्छा, हम तो फिर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है, अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज तक। अच्छा, सन को चाहिए कि अपने घर के जो इश्यूज हैं, मतलब करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोड शेडिंग, जो भी इश्यूज हैं, पहले उन पे फोकस करें, कश्मीर बाद में देखी जाएगी, सबको उन पे फोकस करना चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों, एटलीस्ट 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वो क्लेम तो कर रहे हैं कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा, उसको पाकिस्तान ने लीगली ऑक्यूपाई किया, ठीक है, हर स्टेटमेंट में जहां भी उनसे प्रयास हो रहा है एटलीस्ट बोल दो रहे हैं, हमारी इंडियन आर्मी भी बोल रही है साथ के साथ, ठीक है, लेकिन जहां पे हमें सपोर्ट चाहिए वो हमारे घर के लोग ही जब हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हमारा केस मजबूत होगा, जो कि ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है कि पीओके भारत का हिस्सा, ठीक है, वहां कांग्रेस का कोई उठ जाएगा, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला जैसे लोग उठ जाएंगे, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग उठ जाएंगे, कहेंगे पीओके कैसे लेंगे, तो विवादित है, इसमें तो पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, वह पाकिस्तान के परमाणु बम है तो हमारे पास नहीं है क्या, हमारा परमाणु बम नहीं देखा तुमने, पाकिस्तान का परमाणु बम तो फारूक अब्दुल्ला साहब देख के बैठे हुए लेकिन हमारा नहीं देखा लगा, ठीक है, मतलब यार ऐसे लोग को अगर देश का गद्दार नहीं कहा जाए तो क्या कहा, बहुत दुख होता है जब इनका साथ कुछ लोग कमेंट में भी देते कि भाई नहीं ये तो चालबाजी है बीजेपी की, चलो कोई बात नहीं, वोट बैंक के लिए ही कह रहे हैं, तुम भी वोट बैंक के लिए कह दो कि हम पीओके ले लेंगे, वोट बैंक के लिए ही कह दो, कौन सा तुम्हें फर्क पड़ रहा है, लेकिन नहीं, ये वोट ये चाहते ही नहीं है कि पीओके भारत का हिस्सा। बताओ यार, मुझे कल ये स्टेटमेंट सुन के फारूक अब्दुल्ला का बहुत,
मतलब दुख हुआ कि ऐसे लोग जो सरकार से पैसे मिलते हैं इनको, मोटी पेंशन उठाते हैं ये भारत गवर्नमेंट की तरफ से, पलते हैं भारत गवर्नमेंट के खर्चों पर। अगर इनके आसपास की सिक्योरिटी से आर्मी की सेना को हटा दिया जाए ना तो ये बचेंगे नहीं 10 दिन में। लेकिन भारत सरकार और भारतीय आर्मी को ही ये हमेशा आप शब्द का प्रयोग करते रहते हैं डीमोरलाइज करने की। भाई तुम देश के हो, भारत के हो, तुम्हें तो हर जगह कहना चाहिए कि पीओके के लिए जान दे देंगे, पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है। तुम तो लीडर हो, देश के लीडर्स में से एक हो, जम्मू कश्मीर के लीडर हो, ऐसा बयान देते हैं मतलब दुख हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देख, आशा करेंगे वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।